नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोबीक्विक से मनी कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा मोबीक्विक। जैसे ही मोबीक्विक आप इंटर करेंगे तो पहला लिंक आपको मोबीक्विक का आएगा। ये एक ई कॉमर्स साइट है। तो जैसे यहाँ पर देखिए लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन होगा। यहाँ पर लॉगिन पर आप क्लिक करके अपना जो भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर है वो इंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये ओटीपी सेंड करेगा, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी सिक्योर हो चुका है ये साइट, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड करेगा। तो उस ओटीपी को जब आप यहाँ इंटर करेंगे जैसे ही आप, ये थोड़ा टाइम ले सकता है आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड करने में, लेकिन ये विद इन कुछ सेकंड में रहता है। जैसे ही सबमिट करेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐड मनी के लिए। तो ऐड मनी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना होगा कि जो भी अमाउंट आप इंटर करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने 210, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे इंटरनेट बैंकिंग, तो हम इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद प्रोसीड करते हैं आगे। जैसे प्रोसीड करेंगे तो ये सीधे आपके HDFC के नेट बैंकिंग पेज पर ले जाएगा। वहाँ पे आपको अपने यूज़र आईडी या फिर कस्टमर आईडी इंटर करना होगा और IPIN पासवर्ड इंटर करना होगा। जैसे ही आप ये इंटर करेंगे तो उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करके लॉगिन जैसे ही करेंगे आप, ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा ये पेमेंट के लिए। तो यहाँ कन्फर्म कर दीजिए अमाउंट पे। जैसे कन्फर्म करेंगे तो ये आपके मोबाइल से फिर एक रजिस्टर मोबाइल पे OTP सेंड करेगा, उसे आपको यहाँ इंटर करना होगा ताकि पेमेंट सक्सेसफुल हो सके। तो यहाँ देखिए OTP आपके मोबाइल पे आ चुका होगा। ये कुछ टाइम लेता है OTP सेंड करने में। ये जैसे ही आप OTP इंटर करेंगे, ये जैसे ही OTP के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए सीधे आपको पेमेंट, यहाँ पे आपका मनी एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि ये कैसे हम मनी को ऐड करते हैं मोबीक्विक वैलेट में। ये देखिए यहाँ से हम आप रिचार्ज कर सकते हैं। ये एक ई कॉमर्स साइट है जिससे कि आप बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे लोकल स्टोर पर अगर आपको पे करना है या ट्रांसफ़र करना है, अगर आपके विद इन मोबाइल या फिर बैंक में सेंड करना है, तो आप इससे ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑफर्स, 10 टिकट आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको डेली नए नए वीडियो, टेक्निकल बातों से रिलेटेड वीडियो हम आपको दिखा सकें। थैंक यू दोस्तों।